दैनिक भास्कर टीम ने गुरुवार को सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन से निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर बात की। जिलाध्यक्ष ने कहा, भाजपा खुद ही जिले में चुनाव नहीं जीतना चाहती थी, अगर चुनाव जीतना होता तो गोंडा सदर से निर्मल श्रीवास्तव को टिकट देती। करनैलगंज सीट पर भाजपा विधायक ने वोटों की डकैती की। सुनिए दैनिक भास्कर की विशेष बातचीत। मैं हरिनारायण शुक्ला, ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर गोंडा। आज सपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन जी से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। अभी जल्द ही स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उन पर उन मुद्दों पर कैसा रहा है उनका प्रयास और उसका फल, और इसके अलावा अभी उनका जो संगठन 2024 से मुकाबला होना है उस पर क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। जी नमस्कार। पहली बात आपको के माध्यम से हम जनपद गोंडा के साथियों को बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी नगरीय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 3 हम जीते हैं, 1 हमारे सीट बदलने से हार गए धानेपुर, और 2 भाजपा वालों ने एक तरह से डकैती डालकर हराने का काम किया है। जैसे कर्नलगंज में माननीय विधायक ने स्वयं 600 करीब 6 बूथों पर वोट को छापने का काम किया था 4 तारीख को। दूसरी बात, धाने ये खरगूपुर में हम लोगों के जो प्रत्याशी है उनके समस्त परिवार और सहयोगियों पर 42 आदमी पर गुंडा एक्ट जैसे दर्जनों धारा लगाकर ये प्रत्याशी के पक्ष में लोगों को एक भ्रमित करने का कार्य किया गया, इसलिए यह 2 सीट हम हार गए। अब ये 2 जीतने के बाद हम 6 सीट गोंडा में शुरू कह रहे थे, 6 समाजवादी पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही मजबूत हैं और समाजवादी पार्टी की नीत हर घर में है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की हर घर में तस्वीर, और लोग उनको पसंद करते हैं, उनके कार को पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री काल में जो हमारी पार्टी ने 5 साल के लिए वादा किया वो 4.5 साल में पूरा करके दिखा दिया। इधर नफरत फैलाने वाली पार्टी है, ये विघटन डालकर राज करना चाहती है, ये हिंदू को हिंदू से लड़ाकर, मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर ये एक राज करना चाहती है। जबकि गोंडा अयोध्या जी से करीब है, हमारे यहाँ गोंडा में कभी दंगा नहीं हुआ, हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी पर आने जाने वाले किसी भी जात धर्म के लोग नमन करते हैं, हमारे यहाँ कभी दुखरानाथ मंदिर को सभी जात धर्म सम्मान से देखते हैं। गोंडा में 6 दिसंबर 2092 में भी कोई दंगा नहीं हुआ था, टाइट कर्फ्यू लगा था। ये ऐतिहासिक जिला है और यहाँ के हमारे साथी बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही हमारे बड़े नेता जैसे आदरणीय बैजनाथ दुबे जी, इधर मंत्री जी नहीं हैं, सूरज सिंह उनकी जगह पर हैं, नंता जी हैं। हम लोग सभी जात धर्म पे विश्वास करते हैं, सभी को अपना आदर मानते हैं, समाजवादी पार्टी की नीत को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपने कलर में आरोप लगाया कि वहाँ प्रशासन ने और स्थानीय विधायक ने गड़बड़ी की, तो आपके जो नगर क्षेत्र है यहाँ क्या ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, गोंडा एक शुरुआत में, गोंडा में निर्मल श्रीवास्तव हिंदुत्व के नेता हैं, वहाँ भाजपा फीका रंग पड़ गई, इसलिए भाजपा का रंग निर्मल ने अपने चाल और चरित्र से उनका रंग फीका किया, और समाजवादी पार्टी अपने प्रयास से सबके सहयोग से, इधर दुबे जी हैं, उधर सूरज हैं, निंता जी हैं, जो भी हमारे एक्टिव नेता थे सब लोग लगकर सभी जात धर्म के लोग वोट देकर उजमा राशिद को जिताने का कार्य किया है। ये सिर्फ साइकिल चुनाव चिन्ह होने से ये जीती हैं, और कई आरोप भी लगे लेकिन सब आरोपों को हम लोगों ने खंडन किया और दोबारा ऐसी गलती ना होने की भी हिदायत दी और कस्में खाई जनता के बीच, तब जाकर साइकिल यहाँ 3500 के करीब वोटों से जीती है। कटरा में बहुत चर्चा था इस बार इलेक्शन का जो है कि
परसीमन हो गया है तो सपा की पोजीशन खराब है। जनपद में 7 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका है। हम तो कहना चाहते हैं कैंप लगाकर हमारे अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष से सीखना चाहिए। कटरा में विकास जीता है, जात धर्म का की एकता जीती है और आदरणीय वैजनाथ दुबे जी का दिमाग जीता है। महफूज भाई घर घर गए हैं, उनके प्रयास से हम लोगों ने 1350 वोटों से कटरा जैसी सीट पर जीतने का साइकिल ने रिकॉर्ड कायम किया है। आपकी बेलसर नगर पंचायत नव गठित है जी, वहाँ पर सपा के बारे में, सपा के जो प्रत्याशी हैं आपके बहुत हल्के लग रहे थे, चर्चा थी बहुत हल्के हैं, फिर आपने सीट निकाल ली वहाँ। समाजवादी पार्टी ग्रामीण अंचल में बहुत मजबूत है। हमारा जो भी कार्य है, क्योंकि वो जिस बाजार से हैं, जिस बाजार में वो सब्जी लेते हैं, तेल लेते हैं, साबुन लेते हैं, पूरा सामग्री लेते हैं, हमारी सरकार 12 से 17 में नवाबगंज से लेकर कन्नलगंज तक अच्छी रोड दी है, जो जिस पे जरा भी हिचका नहीं लगता है, और तमाम ऐसे पुल जोड़े हैं, तमाम ऐसे विकास हुए हैं जिसके नाते समाजवादी पार्टी गांव अंचल में बहुत मजबूती से लड़कर जीतने का कार्य किया है। अभी भाजपा जो आपसे प्रतिद्वंदी पार्टी है, वर्तमान में सत्ता में है, उसने बूथ स्तर पर अपनी तैयारी की है, बूथ अपना मजबूत किया है। आपकी 2024 के लिए कौन सी तैयारी चल रही है, जो तैयारी चल रही है? हमारे यहाँ गांव स्तर तक, बूथ स्तर तक सारी कमेटियाँ बनी हैं, सारी कमेटियाँ बनकर हमें मिल चुकी हैं, इसको हम प्रदेश पहुँचाने का कार्य करेंगे। दूसरी बात, भाजपा कहीं कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा जो भी चुनाव है नफरत और दो पक्ष को लड़ाने कार्य कर रही है। भाजपा की नीत जनता में फ्लॉप हो चुका है, चाहे वो यहाँ हो उत्तर प्रदेश में, या आप देश स्तर पे देखिए जो भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ भाजपा खत्म हो रही है। हमारे प्रदेश में सभी लोग, सभी जात के लोग अमन चमन पसंद करते हैं, और भाजपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के मुकाबले बहुत हल्की है। हमारे यहाँ संगठन गांव स्तर तक है, सभी लोग एकता के बल पर, समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता एक टेबल पर बैठकर अपनी बात रखते हैं। इधर जब से हम जिलाध्यक्ष हुए हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और भाजपा अगर जीतने के लिए टिकट देती तो निर्मल श्रीवास्तव को न देती, भाजपा खुद ही नहीं चाहती थी कोई हमारा जीते, दूसरा दरबार लगे, वो तो एक दरबार पे भरोसा रखती है। भाजपा को अगर जिताऊ कैंडिडेट चाहिए तो हमसे ले लेते चार नाम, जीत जाते। तो भाजपा कोई लड़ने और लड़ाने वाली पार्टी नहीं है, भाजपा के लोग सत्ता के नशे में चल रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि जमीन खिसक गई है, दरक गई है, अभी उनको अपने होश में तब आएंगे जब चुनाव होगा। जैसे उन्होंने पन्ना प्रमुख को तमाम नए नए फ्रंटल संगठन बना लिए हैं, आपके फ्रंटल संगठन क्या स्थिति है? अब हम इसको कहेंगे नहीं, उनके उनके पन्ना प्रमुख के जवाब में हमारे और तमाम सिस्टम हैं, जो हम उन पे हर एक पे भारी हैं, उनका जो भी प्लान है उस पर हम भारी हैं। वो राम मुसलमान पाकिस्तान का नाम न लें तो उनके पास कुछ है ही नहीं, और राम को कौन नहीं मानता। हम अजय जिलाध्यक्ष मुस्लिम, हम जब भी दुखरनाथ निकलते हैं तब भी नमन करते हैं, क्योंकि जब से गोंडा आबाद हुआ है दुखरनाथ मंदिर पे कभी कोई किसी तरह का हिंसक नहीं हुआ, हनुमान गरीब नहीं हुआ है, यहाँ कोतवाली के नज़दीक नहीं हुआ है, तो जहाँ कोई बात नहीं है वहाँ तो हिंदू मुसलमान सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम तो व्यक्तिगत आपसे कह रहे हैं, हम लोगों के खर खानदान में कभी कोई जात पात नहीं था। हम लोगों के यहाँ तब जब दूर से ब्राह्मण को छूने पर वो अपना भोजन बंद कर देते थे तब भी पानी पीते थे, तो हमारा परिवार दूसरे टाइप का है। हम ये नहीं कहते 100% मुसलमान एक राय पे हैं, हमारे यहाँ भी कुछ कट्टरपंथी हैं 2-4%, लेकिन उनको हम कहीं स्थान नहीं देते, न दिल में, न दिमाग में, न संगठन में।
हम लोग गंगा जमुनी तहजीब हमारे लिए परंपरा है, हम एकता में ही अपनी अच्छाई देखते हैं। आज समाजवादी पार्टी 7 विधायक प्रत्याशी 2 MLC हमारे अंदाज से बहुत दिन बाद इकट्ठा एक राय होकर अपनी बात रखते हैं। ये हमारे लिए आप सबका आशीर्वाद है और इसको हम अपना बहुत कीमती धन मानते हैं कि एकता सब कुछ है। मिशन 2024 के लिए तैयारी पूरी चल रही है? मिशन 2024 में प्रत्याशी भी तय हैं, हम लोग बाहरी प्रत्याशी नहीं लाएंगे, हम लोग अपने बीच के प्रत्याशी लाएंगे। और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि दोनों कैसरगंज और गोंडा हम जीत रहे हैं। जैसे हमने नगर निकाय चुनाव में कहा हम 7 जीत रहे थे, आपको बता दें कर्नलगंज न छीना जाता तो हम 4 हो जाते, थानेपुर ना बदलता हमारा प्रत्याशी तो 5 हो जाते, खरगूपुर में गुंडा एक्ट ना लगता तो हम 6 हो जाते। तो हम तो अपने कथनी करनी पे एक मानते हैं, हम आपको आपके माध्यम से अपने सभी नेता व कार्यकर्ता से कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जैसी मजबूत पार्टी कोई नहीं है। हमारे नेता माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी आज नहीं हैं, उनके पद चिन्हों पर चलकर माननीय अखिलेश यादव जी जन जन की सुनते भी हैं और वो योजना लाते हैं कि जो जनता के बीच जाए। समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा सद्भावना और गंगा जमुनी तहजीब के आदि रहे हैं। हमारे यहाँ नफरत को काटने के लिए प्यार हमारा काफ़ी है। धन्यवाद।